दोस्तों, अगर आप रेगुलर बादाम, सौंफ और मिसली के सेवन करेंगे, और मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे और उतनी मात्रा में करेंगे, तो आपके लाइफ बदलने वाले और ऐसे ऐसे रोग दूर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी उम्र एक नॉर्मल इंसान से कम भी 25 गुना, मतलब कहते हैं ना 25% तेजी से कम दिखेगी, यानी कह सकते हैं कोई 50 साल का व्यक्ति है तो 35 साल का दिखेगा, ये मेरा वादा है। तो जैसे मैं ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको, वैसे ही वही जितना सामान बता रहा हूँ वही लाना है, और कैसे खाना है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, और परहेज भी बताऊंगा तो वो भी ध्यान से सुनेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं जो रोग बताऊंगा वे इस नुस्खे से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मात्रा बताने जा रहा हूँ कि कितनी मात्रा में आपको क्या क्या लेके आना है, और फिर मैं इसके परहेज बताऊंगा, और फिर इसके बाद इसको खाने का तरीका। और सबसे पहले हम परहेज से स्टार्ट कर देते हैं, फिर अपन रेगुलर क्या क्या लाना है और कैसे कैसे खाना है और कैसे कैसे मिक्स करना है वो बताएंगे। तो पहले परहेज, बिना परहेज कोई चीज़ काम नहीं करेगी, इसलिए याद रखिए परहेज जरूरी है। परहेज सबसे पहला है, अगर आप सोयाबीन से तो मेरी ज़िंदगी में नफरत ही है, तो इसलिए सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल भी सोयाबीन वाला बंद कर दीजिए, सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन का जो भी आप दाने होते हैं वो बंद करना है, अगर आपको इस नुस्खे का फ़ायदा उठाना है। और इस नुस्खे के फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो और खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले आपको कम करने हैं, और कोई नशा करते हो तो वो बिल्कुल बंद कर देना है। अब हम बात करेंगे नुस्खे के फ़ायदा क्या है, जिसके अंदर इस्तेमाल होंगे बादाम, सौंफ और ताली मिश्री। सबसे बढ़िया फायदा है दोस्तों, अगर आप इसको रेगुलर खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपके चश्मा उतर जाएगा, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके बाल काले हो जाएंगे, और आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ जाएगी। सोच के देखिए, याददाश्त शक्ति, और आपके जो आजकल जो हमारे माथे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उन सब में ये नुस्खा गजब का काम आएगा आपके। किसी के अगर पेट कम नहीं हो रहा है, मतलब वजन बढ़ता जाता है, तो ये बहुत काम आएगा। वजन कम करने में भी शानदार इसका उपयोग है, पेट का वजन कम करने के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशल। और अगर किसी को इसमें वजन बढ़ाना है तो बादाम की मात्रा बढ़ाएं और सौंफ कम कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका चेहरा भी गोल मटोल हो जाएगा, ये मेरा आपको वादा है। और शरीर में एक नई जान आएगी, एनर्जी आएगी। किसी के स्पर्म काउंट की कमी है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, शरीर में गर्मी है, उसके लिए भी ये बहुत काम करेगा। ये मत सोचेगा ये नुस्खा गर्म करेगा, नहीं, इसमें सौंफ भी है और इसमें ताली मिश्री है जिसमें अंदर धागा होता है, और नॉर्मली इसको हम अगर मॉडर्न में कहें तो रॉक शुगर कहते हैं, जो मार्केट में मिल जाएगा आपको। अब हमें इसको बनाना कैसे है ये भी पता होना चाहिए। अगर डिपेंड करता है, अपन दो तरीके से बनाएंगे। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या डालना है, बादाम की मात्रा दुगनी कर लेनी है जितना मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वजन घटाना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही लेते रहिए, और बाकी के जो फायदे होंगे वो तो बराबर ही होंगे, चाहे आप बादाम बढ़ाओ ना बढ़ाओ, वो वजन बढ़ाने घटाने वाली भी बात है, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि हमें लाना कितना क्या है। 200 ग्राम बादाम लेने हैं, 200 ग्राम आपको सौंफ लेनी है, और आप में इसमें ही 200 ग्राम आपको ताली मिश्री लेनी है। अगर आप चाहो तो इसमें 50 ग्राम इलायची और डाल सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है, मिक्स कर लेना है और एक डब्बे में डाल लेना है। फिर इसको खाना है सुबह शाम एक एक चम्मच, सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ। खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं खाना खाने के एक घंटे बाद खाएं। याद रखिए कोई भी फास्ट फूड आपको सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाइए, और इसके रिजल्ट देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपके कुछ दिनों बाद आप एक नया शरीर महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ भी बदल जाएगी, ये मेरा आपका वादा है। जितने भी आपको फायदे बताए वो सब मिलेंगे इसमें वीडियो में, इस नुस्खे से। तो ये वीडियो प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए, और 100 साल के व्यक्ति को भी ये चीजें खिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी समस्याओं के बारे में, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।